नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल ट्रेड शो द्वितीय संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी, औद्योगिक संस्थानों और ODOP CFC परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में पहली बार 21 सितंबर 2023 से 25 सितंबर 2023 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में संपन्न हुआ था। उसकी सफलता एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही थी और एक ही जगह में उत्तर प्रदेश के अंदर की पोटेंशियल को प्रदर्शित करने का इतना सशक्त मंच मिल पाया था। पहली बार 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे, 70,000 की संख्या में तमाम अन्य लोगों ने वहां सहभागिता की और 3 लाख से अधिक तो केवल और केवल वहां देखने वाले लोग आए थे। आज इसी का परिणाम है कि हम जब यहां पर कर्टेन रेजर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं कि फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के इस संभावित क्षमता का प्रदर्शन वैश्विक समाज के सामने हम फिर से कर सकें, इस दिशा स्वयं इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी भी स्वयं आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी, लेकिन उनको शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। आज जब डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करना प्रारंभ कर रही है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है जिसमें सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों की विरासत के रूप में हमारे पास सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के अनेक ऐसी इकाइयां, छोटी बड़ी इकाइयां हमारे पास मौजूद थी, लेकिन लगातार सरकारी उपेक्षा के कारण, इंस्पेक्टर राज के कारण ये त्रस्त थी, प्रताड़ित थी, प्लान करने के लिए मजबूर थी, बंद होने के लिए मजबूर थी। 2018 में उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना प्रारंभ की, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन करने का कार्य किया, उसके लिए मार्केट देने का काम किया, उसके टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ने का काम किया, तमाम अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिए, CFC निर्माण की प्रक्रिया को तेज बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश की है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश के अंदर यह एक यूनिक योजना बन चुकी है और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला जो योजना बन रही है उनमें से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक प्रमुख योजना है। उत्तर प्रदेश को इस पर गौरव की अनुभूति है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी को इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। आज हमारे यहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा उद्यमी है, जो पहले हताश और निराश था, आज उत्साहित है। मैं किसी भी जिले में जाता हूं, ODOP की एग्जीबिशन देखता हूं और जब मैं वहां पे अपने उन उद्यमियों से बातचीत करता हूं तो उनके चेहरे खिले होते हैं। पहले जो बुझे हुए चेहरे थे, हताश था, निराश था, आज उनके चेहरे पर एक चमक दिखती है कि साहब हमारे लिए एक स्पेस है।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने विधान परिषद में अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सवर्ण हिंदू ओबीसी एससी और एसटी का आरक्षण खा रहे हैं। नाम है राज्यपाल के भाषण के प्रेस डेक पर बड़ी वाहवाही लूटी गई है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले रामलला थे ही नहीं। एक और कहा जाता है कि देश के करोड़ों करोड़ों आराध्य के भगवान है श्री राम, और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए, जबकि ये जगमीत है, ये पूरे संसार सब मालूम है। हजारों साल से राम की यहां पर पूजा होती चली आ रही है, आप मानते हैं राम, और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उससे प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां से उठता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्राण प्रतिष्ठा वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था, वहां देश के सारे श्रद्धालु भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों करोड़ लोगों को वहां रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन तीन के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। जब रामलला हजारों साल से पूजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था? मैं प्रश्न उठाता हूं। और महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप देश में लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की क्राइसिस झेल रहे हैं, सरकार के पास नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, साथ ही साथ आज कई लाख की तादाद में वित्तहीन शिक्षक हैं, उनको मानदेय देने के पास लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और यही नहीं, आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से घोटाला हुआ माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी, यहां तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार यानी रिजर्वेशन की सरकार का आयोग जिसने उसमें कहा है कि इसमें 800 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ, इनको तैनाती दिया जाए, आज तक तैनाती नहीं दी जा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हमला बोला। पांडे ने कहा कि स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और इसी वजह से वो विवादित बयान दे रहे हैं। साथ ही मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी की नसीहत के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। देखिए स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा है। पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए आप जानते हैं कि इस प्रकार के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करना भी उचित नहीं, मैं मानता प्रभु और उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं इसका जवाब उन्हें दे। समाजवादी पार्टी 2024 में समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, वो कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, उसके कारण सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी हैं। क्योंकि इस पार्टी में कोई भी अगर कुछ बोलता है तो बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया के आदेश के नहीं बोल सकता, इसलिए किसी भी प्रकार के बयान के लिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को जिम्मेदार मानता हूं। अगर किसी के बयान से वो सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो भी जहरीले बयान आ रहे हैं, जिस भी ओर से आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी जो बोल नहीं रहे हैं
वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बुलवा रहे हैं। कल के माननीय नेता प्रतिपक्ष के पूरे सवा घंटा के भाषण में सदी का, कई सदियों का जो कार्य हुआ है 500 वर्षों के बाद, जो संघर्षों के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि उनको अपने वोट को डर लग रहा है कि हमारा वोट खसक जाएगा। इसलिए ये बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी से इस तरह का बयानबाजी करवा। तो भाई, रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लाखों लोग लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामपथ से लेकर भक्ति पथ तक और हनुमान गढ़ी से लेकर नया घाट तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। आईजी प्रवीण कुमार का दावा है कि लाखों लोग रोजाना रामलला के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है और राम मंदिर पे तो व्यवस्था है ही, हनुमान गढ़ी और अधिक संवेदनशीलता के साथ हम लोग प्रबंध देख रहे हैं और वहाँ सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने के लिए सभी जो हम लोगों को आवश्यक सुरक्षा उपाय करने होते हैं वो कर रहे हैं। वहाँ की जो पट्टी के लोग हैं उनसे भी संपर्क में हैं और वो जो व्यवस्थाएं सुगम हो सकती हैं वो की जा रही हैं। और चलिए, जब आपको दिखाते हैं 5 मिनट 25 बड़ी खबरें। कानपुर में दबंगों ने दी युवक को तालिबानी सजा, पीड़ित ने दी बिदनू थाने में तहरीर, दबंगों ने थाने पर बनाया सत्ता का दबाव। फरुखाबाद में युवक ने जहर खाकर जान देने का किया प्रयास, मुकदमा वापसी की धमकी से परेशान, युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में चल रहा इलाज। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, गाड़ी ने युवक को कुचला, मौके पर ही मौत, दो युवकों को किया गया गिरफ्तार। आगरा में दो महिला ट्रेन चपेट में आई, एक की मौत, दूसरी घायल। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। फतेहपुर में कुएं में मिला युवती का शव, रेप के बाद हत्या कर कुएं में फेंकने की है आशंका, पुलिस कर रही है तफ्तीश। बदायूं में अज्ञात कारणों से कई घरों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग को बुझाया, घरेलू सामान जलकर हुआ राख। फतेहपुर में खेत में मिला अधेड़ का शव, हत्या कर शव फेंकने की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज में बीजेपी स्मार्ट महिला सम्मेलन का आयोजन, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक कार्यक्रम में हुई शामिल, अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आजमगढ़ में पुलिस को मिली सफलता, पंजाब से बिहार ले जा रहे अवैध शराब को पकड़ा, एसपी ने कार्रवाई के दिए आदेश। फरुखाबाद में जिलाधिकारी ने बीएसए कार्यालय का किया निरीक्षण, कार्यालय में अभिलेखों को सही व्यवस्था कराने के निर्देश, विद्यालय के शौचालय और पीने के पानी की टोंटी भी गंदी पाई गई। प्रतापगढ़ में बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभा जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मिर्जापुर में करोड़ों के मकान पर पत्नी ने किया कब्जा, पति को घर से बाहर निकाल, झूठा मुकदमा किया दर्ज, जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठा है पति। अलीगढ़ में घरेलू विवाद के चलते गर्भवती महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती महिला। आजमगढ़ में शादी समारोह में दबंगों ने असला प्रदर्शन किया, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। कन्नौज में सिर कुचलकर युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। सहारनपुर में शराब की ओवर रेटिंग को लेकर ठेके पर झगड़ा, दो घायल, दो युवकों की सेल्समैन ने की पिटाई। बहराइच जिले में पहली बार 15 परीक्षा केंद्रों पर होगी आरओ एआरओ की परीक्षा, 5 जोन में बांटे गए सभी परीक्षा केंद्र, 6497 परीक्षार्थी होंगे शामिल। निर्दलीय कांग्रेस और बसपा के नेताओं ने थामा भाजपा का दामन, प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मानना में डाक गाड़ी ने सड़क किनारे खेल रहे मासूम कोरोंदा, मौके पर ही गई जान। बांदा में गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल,
पुलिस कर रही है जांच। फतेहपुर में निर्वाचन प्रशासन मतदाताओं में मतदान को लेकर कर रहा जागरूक, प्रत्येक ग्राम सभा पहुंचकर भरवा रहे संकल्प पत्र। सहारनपुर पुलिस को मिली सफलता, मादक पदार्थ तस्कर महिला को पकड़ा, अवैध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज। फिरोजाबाद में सड़क पर वाहनों में लूट करने वाली गैंग को पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल किया गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस को वो बड़ी कामयाबी, हरियाणा से अवैध शराब तस्करी और खनन पर गए जाएंगे ड्रोन तैनात। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।